जैन साधु साध्वी जी भगवंत ब्रह्मचर्य का पालन किस तरह करते हैं? इस वासना और गंदगी से भरी दुनिया में क्या ये संभव है? ब्रह्मचर्य के 9 वार्ड जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जैन साधु साध्वी जी भगवंतों को शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें दी गई है जिनके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि वो इस कलिकाल में गिफ्ट स्वरूप है। शायद जिन शासन में ही, जैन धर्म में ही ऐसी व्यवस्था की गई है, वो व्यवस्था क्या है वो आज हम देखेंगे। हमारा जिन शासन कितना महान है उसकी छोटी सी झांकी गुरु भगवंतों के संयम जीवन के 5 महाव्रतों को देखकर मिल जाती है। उन 5 महाव्रतों में एक महाव्रत ऐसा है जिसमें नो कॉम्प्रोमाइज अलाउड का बोर्ड लगा हुआ है। वो महाव्रत है ब्रह्मचर्य महाव्रत। हमें अगर किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना होता है तो हमें एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। हम ये चीज डे टू डे लाइफ में देखते ही है कि बड़ी बड़ी हेरिटेज साइट्स, म्यूजियम्स, गार्डन्स आदि के चारों ओर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए दीवार का, फेंसिंग, गेट्स आदि का निर्माण करवाया जाता है, क्योंकि किसी भी मूल्यवान चीज की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के इंतजाम बहुत ही मजबूत होने चाहिए। और ये चीज तीर्थंकर परमात्मा जिन शासन को भेंट में देकर गए हैं। चौथे ब्रह्मचर्य महाव्रत की सुरक्षा के लिए प्रभु ने 9 प्रोटेक्शन शील्ड्स, 9 प्रकार की बाउंड्रीज बताई है जिन्हें हम 9 वार्ड के नाम से जानते हैं। ये 9 वार्ड यानी कि बाउंड्रीज साधु साध्वी जी भगवंत और उन श्रावक श्राविकाओं के लिए है जो विजय सेठ, विजया सेठाने की कैटेगरी में आते हैं। जहां आज एक तरफ पूरी दुनिया काम वासना आदि के पीछे पागल है, वही कैसे दूसरी तरफ जिन शासन में इस पागलपन से दूर रहने की व्यवस्था बताई गई है, आइए वो हम देखते हैं और जानते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत के 9 वार्ड क्या है। शास्त्रों में गाथा आती है, वसही कह निसिज्जी दिय कुडिन तरफ पुव्व के लिए पनिए आई माया हार विभूषणे नव ब्रह्मचर्य गुत्तियो। इस गाथा में ब्रह्मचर्य की 9 गुप्त यानी कि 9 वार्ड का वर्णन आता है। आइए हम इन 9 वार्ड को पॉइंट वाइज समझते हैं। वार्ड नंबर 1, वस्ती। जैन साधु साध्वी जी भगवंत ऐसी वस्ती यानी कि ऐसी जगह पर ही उतरते हैं जहाँ पर पशु ना आते हो, जहाँ पर साधु भगवंत के लिए स्त्रियों का और साध्वी जी भगवंतों के लिए पुरुषों का आवागमन न होता हो और नपुंसकों का भी आवागमन न होता हो। इसका कारण यह है कि इन निमित्तों यानी कि कारणों से हो सकता है कि साधु साध्वी जी भगवंतों के मन में अनुचित भावना का जन्म हो जाए और इसीलिए न रहेगा बास और न बजेगी बांसुरी। इस न्याय से साधु साध्वी जी भगवंत वही रुकते हैं जहाँ पर वसती संसक्त नहीं होती, यानी कि जहाँ पर विजातीय का यानी कि ऑपोजिट जेंडर का आवागमन नहीं होता है। वार्ड नंबर 2, कथा। साधु साध्वी जी भगवंत कभी भी परस्पर में गंदी बातें करते नहीं है और गंदी बातें सुनते भी नहीं है। आजकल के जमाने में लगभग सभी उपाश्रय बिल्डिंग्स के आजू बाजू में होते हैं और कई बार टीवी की लाउड वॉल्यूम के कारण डीजे, रोमांटिक सॉन्ग्स आदि बजते रहते हैं। साधु साध्वी जी भगवंतों को ऐसी जगह में रुकने के लिए शास्त्रों में मनाई की गई है। समझने जैसी चीज ये है कि हम श्रावक श्राविकाओं को भी इतना विवेक होना चाहिए कि अगर आजू बाजू कोई उपाश्रय हो तो हमें ऐसे अभद्र वल्गर गाने लाउड वॉल्यूम पर नहीं लगाने चाहिए, ताकि साधु साध्वी जी भगवंतों का जीवन पवित्र रहे और उनकी संयमचर्या मोक्ष की ओर आगे बढ़े। वार्ड नंबर 3, निषध्या यानी कि आसन। जहाँ पर कोई स्त्री बैठी हो उस जगह पर कोई भी साधु भगवंत 48 मिनट्स तक बैठ नहीं सकते हैं, और जहाँ पर कोई पुरुष बैठे हो वहाँ पर साध्वी जी भगवंत 3 प्रहर तक नहीं बैठ सकते हैं। एक मत ये भी है कि जहाँ पुरुष बैठे हैं वहाँ महिलाओं को 3 घंटे तक नहीं बैठना है और जहाँ महिला बैठी है वहाँ पुरुषों को 48 मिनट तक नहीं बैठना है। इसका कारण ये है कि जब कोई व्यक्ति एक जगह पर बैठता है तो उसके शरीर की ऊर्जा या गर्मी यानी कि ऑरा वहाँ पर बनी रहती है, और मान लीजिए कि उस व्यक्ति की मानसिक परिस्थिति ठीक ना हो तो वह ऑरा वहाँ पर स्थिर हो जाती है। इसमें समय का अलग अलग मतांतर भी है जिसकी जानकारी आप अपनी अपनी आस्था अनुसार गुरु भगवंतों से प्राप्त कर सकते हैं। यदि उस जगह कोई अन्य व्यक्ति आकर बैठे तो उस ऑरा का असर उस दूसरे व्यक्ति पर हो सकता है, और इसीलिए निषध्या यानी कि आसन का विधान शास्त्रों में किया गया है। हमारे शरीर की गर्मी जमीन पर ग्राउंड ना हो इसीलिए ऊन यानी कि वूलन का आसन, जो गर्मी को खींचने में बहुत पावरफुल होता है, उसका विधान किया गया है, ताकि गर्मी ग्राउंड ना हो और दूसरे जीवों का भी वातावरण प्रदूषित ना करे। समझने जैसी चीज़ है कि हमारे शास्त्रों में ये वातावरण की शुद्धता का नियम भी स्पष्टता से बताया गया है। वार्ड नंबर 4, इंद्रिय। साधु साध्वी जी भगवंतों को ये स्पष्ट विधान है कि जहाँ पर अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग यानी कि सही तरीके के कपड़े पहने हुए स्त्री या पुरुष न हो वहाँ पर दृष्टि करना नहीं यानी कि देखना नहीं। इस दुनिया में हम काफ़ी बार देखते हैं कि दृष्टि से ही खराब सृष्टि का सर्जन होता है, और जब खराब सृष्टि आती है तब पाप की वृष्टि शुरू हो जाती है। इसीलिए किसी अनुचित अंग को भी देखना साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए निषेध है। वार्ड नंबर 5, कुड्यंतर।
जिस उपाश्रय के एकदम बाजू में घर को यानी कि एक ही दीवार से सटा हुआ घर हो और जहां पर ये शक्यता हो कि घर में चल रही बातें उपाश्रय में सुनाई दे, जैसे कई बार घर में झगड़ा, प्रेम की बातें या अन्य कोई भी बात जिससे साधु साध्वी जी भगवंतों का कोई लेना देना नहीं हो, ऐसी जगहों पर साधु साध्वी जी भगवंतों को नहीं रुकने का शास्त्रों में स्पष्ट विधान बताया गया है। अगर साधु साध्वी जी भगवंत सांसारिक यानी कि घर गृहस्थी में चल रही बातें सुनेंगे तो ऐसी संभावना है कि उन्हें भी वो चीजें करने की इच्छा हो जाए, क्योंकि वे भी आखिर तो इंसान ही है, छद्मस्थ ही है, अभी तक पूरी तरह से कर्मों का क्षय नहीं हुआ है और ऐसी कोई भी अकल्पनीय घटना न घटे इसीलिए कुड्यंतर यानी कि सटे हुए घर के नजदीक वाले उपाश्रय में ना रहना और ना ही सुनने का विधान बताया गया है। वार्ड नंबर 6, पूर्व क्रीडित। एवरी मैन हैज हिज पास्ट एंड एवरी मैन हैज हिज फ्यूचर, ऐसा एक फेमस प्रोवर्ब है। जितने भी लोग दीक्षा लेते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वे बिना शादी किए ही दीक्षा ले रहे हैं या बिना कोई पाप किए ही दीक्षा ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि सांसारिक अवस्था में उन्होंने बड़े से बड़े पाप किए हो और चौथे ब्रह्मचर्य महाव्रत संबंधी भी कई पाप किए हो, इसलिए जब दीक्षा लेते हैं तो उसके बाद गुरु भगवंतों को पूर्व में किए हुए पापों का मनोमंथन यानी कि रिमेम्बरिंग द रॉन्ग डीड्स का सख्त निषेध किया गया है। इसीलिए दीक्षा से पहले सभी दीक्षार्थियों को भव आलोचना लेने का विधान आता है। एक बार भव आलोचना ले लेते हैं तो उसका प्रायश्चित करने पर भूतकाल में किए गए कार्यों को मुमुक्षु अपने दिमाग में से डिलीट कर देते हैं ताकि वो घटनाएं आगे जाकर उनके संयम जीवन में बाधक ना बने। संयम जीवन में ऐसी शक्यता होती है कि अगर भूतकाल में की गई घटनाओं को डिलीट न किया जाए तो वे याद आ सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी स्त्री को देखकर या किसी पुरुष को देखकर साधु साध्वी जी भगवंतों को ऐसा लगता है कि ये तो मेरे भाई जैसे है, बहन जैसे, पति जैसे या पत्नी जैसे है, पर इन सभी चीजों का स्मरण तब होता है जब पूर्व का स्मरण रहता है, लेकिन पूर्व का स्मरण तो डिलीट करना है, इसीलिए ही इस वार्ड का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यहां पर एक बात समझने जैसी है कि जिन्होंने जन्म से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया है उनके लिए दीक्षा के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ भी डिलीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साथ ही साथ इस पॉइंट में समझने जैसी चीज यह भी है कि जिन साधु साध्वी जी भगवंतों ने संसार का रस चखा नहीं है उन्हें तो इसे चखने की इच्छा या कुतूहल भी नहीं होनी चाहिए। वार्ड नंबर 7, प्रणित। साधु साध्वी जी भगवंत कभी भी ऐसा आहार नहीं लेते हैं जिससे शरीर में विकार पैदा होने की यानी कि अनुचित भावनाएं आने की संभावना हो। समझने जैसी चीज है कि हमारे शास्त्रों में बैंगन का निषेध क्यों किया गया है, क्योंकि उसे तामसिक फल कहा गया है। जो तामसिक फल होते हैं उनसे विकार पैदा होने की संभावनाएं पक्की हो जाती है और इसीलिए इस फल के सेवन का निषेध बताया गया है। ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण विकार पैदा हो सकते हैं, इसीलिए शास्त्रों में मक्खन यानी कि बटर, शहद यानी कि हनी, मांस यानी कि नॉनवेज और मदिरा यानी कि लिक्वर अल्कोहल जैसी ये चार महाविगयों का सेवन करने का मना किया गया है। और इसके अलावा वो चीजें जो बहुत लबालब हो यानी कि जो घी, तेल आदि से लथपथ हो उनका भी निषेध किया गया है। इसीलिए ही बहुत से साधु साध्वी जी भगवंतों को शरीर की उचित शक्ति के अनुसार दूध, दही, कड़ाई विगय यानी कि तली हुई आदि चीजों का त्याग, मिठाइयों का त्याग आदि होता है। इन सभी वस्तुओं का त्याग सिर्फ प्रणित आहार यानी कि विकार पैदा करने वाले आहार का त्याग करने के लिए शास्त्रों में बताया गया है। वार्ड नंबर 8, अतिमात्र आहार। अति मात्रा में आहार लेना, पेट दबाकर खाना, आवश्यकता से ज्यादा पेट भरकर खाना आदि ये सब विकार पैदा करने वाले हैं। समझने जैसी चीज है कि जब तक वायु पेट में रहे तब तक तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब वायु सर में चढ़ जाती है तब अधिक प्रॉब्लम होने लग जाती है। हमें कई बार रात को खराब सपने आते हैं, उसका एकमात्र कारण वायु का विकार है। जब वायु धातु संतुलन में नहीं रहता है तभी ये सब होता है, लेकिन वायु शरीर में संतुलित क्यों नहीं रह पाती है, वो इसीलिए क्योंकि हम कई बार आवश्यकता से अधिक दबा दबा कर खा लेते हैं। साधु साध्वी जी भगवंतों को ये स्पष्ट विधान है कि साधु भगवंतों को 32 कवल 32 कवल और साध्वी जी भगवंतों को 28 कवल 28 कवल से ज्यादा नहीं खाना। ये इसीलिए बताया गया है क्योंकि 28 और 32 कवल में पेट भर जाता है, यदि उससे कम खाए तो उसे उनोदरी तप कहा जाता है यानी कि कम खाने का तप कहा जाता है, और ये उनोदरी तप साधु साध्वी जी भगवंतों के ब्रह्मचर्य महाव्रत के सुरक्षा के प्राण है। हैवी चीजें तो कम या नहीं ही खानी है और सूखी पकी चीजें भी ज्यादा नहीं खाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। वार्ड नंबर 9, विभूषणा। साधु साध्वी जी भगवंत क्यों मेकअप नहीं करते हैं, ऐसा प्रश्न कई बार हमारे मन में उठता है। मेकअप क्यों किया जाता है वो लगभग हम सभी को पता है, जो हमारे अंदर नहीं है उसे दिखाने के लिए, मतलब हम अगर थोड़े कम सुंदर है तो ज्यादा सुंदरता दिखाने के लिए मेकअप करते हैं। मेकअप करने के बाद हमारे सामने जो भी आता है वह व्यक्ति आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, और आकर्षण के कारण ब्रह्मचर्य खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए साधु साध्वी जी भगवंतों को सिर्फ अपना हाथ मात्र खाने के समय धोने का विधान है और इसके अलावा किसी भी अंग को पूर्ण रूप से धोने का विधान नहीं है।
एक और चीज, साधु साध्वी जी भगवंत कभी भी चमकदार चीजों का उपयोग नहीं करते हैं। आचार्य भगवंत जिन्हें जिन शासन का स्तंभ कहा गया है उनसे मिलने कई बार बड़े बड़े लोग आते हैं, इसलिए उनके कपड़े चमकदार भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु बाकी सामान्य साधु साध्वी जी भगवंतों को इसका विधान नहीं है। और इसीलिए पहले के जमाने में साधु साध्वी जी भगवंत साल में एक ही बार अपने कपड़े धोते थे, जिसे साधु साध्वी जी भगवंतों की भाषा में काप निकालना बोलते हैं। मैले कपड़े ही पहने जाते थे ताकि उन्हें देखकर किसी को आकर्षण ही न हो और ब्रह्मचर्य महाव्रत की पूर्ण रूप से सुरक्षा हो पाए। इस तरह चौथे व्रत यानी कि ब्रह्मचर्य महाव्रत की सुरक्षा के लिए ये 9 वार्ड यानी कि 9 सेफ्टी मेजर्स और सिक्योरिटीज शास्त्रों में बताए गए हैं। एक चीज समझने जैसी है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए ये 9 वार्ड नहीं पालते हैं उनकी कर्म सत्ता वाट लगा देती है। वार्ड नहीं तो वाट सही, इस तरह कर्मों का गणित है। वार्ड नहीं तो वाट सही, ये दुनिया का सच्चा नियम है। शायद हमारी शील की सुरक्षा के लिए इतना सोचने वाला दूसरा कोई भी विधान इस दुनिया में हमें नहीं मिलेगा। और इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जो राग द्वेष को जीत लेता है वही सच्चा मार्ग बता सकता है। जो खुद लिप्त है वो दूसरे व्यक्ति को अलिप्त नहीं कर सकता है, और जो खुद अलिप्त है वह व्यक्ति दूसरे लिप्त व्यक्ति को भी अलिप्त बना सकता है। जो खुद अलिप्त न हो वह अगर अलिप्तता पर भाषण देने बैठे तो उसे कोई मानने वाला नहीं है और सामने वाले के जीवन में भी उसका कोई परिणाम नहीं होगा। और जो व्यक्ति खुद अलिप्त है उनके सानिध्य में हमें भी अलिप्तता का अनुभव होता है, और इसीलिए मंदिरों का उपाश्रयों का विधान शास्त्रों में आता है। हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने का स्थान वही है, शुद्धता को मेंटेन करने का स्थान वही है। और इसीलिए एक चीज खास समझने जैसी है कि हमारा कोई भी वेश या हमारा कोई भी ड्रेस या हमारा कोई भी मेकअप ऐसा न हो कि लोग उपाश्रय या मंदिर जी में भी आकर लिप्त हो जाए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये हमने देखे कि साधु साध्वी जी भगवंत किस तरह 9 वार्ड के द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।